सबसे सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लेना है कॉफ़ी। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉफ़ी हमारे बालों को यू नो नेचुरल तरीके से शाइन प्रोवाइड करती है, हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, सिल्की सॉफ्ट बनाती है और कलर देने का भी काम करती है। तो आपको यहाँ पर एक बड़े चम्मच के तकरीबन कॉफ़ी का यूज़ करना है, जिससे कि आपके बाल जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से मुलायम भी रहें और काले भी बने रहें। बालों को काला करना अगर आप चाहते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर विटामिन सी का यूज़ ज़रूर करिए। अब देखिए, सर्दियों के मौसम में हमें आंवला इजीली मिल जा रही है, तो आंवला को लेकर के आइए। ड्राई आंवला भी ले सकते हो, फ्रेश आंवला ले लीजिए, और भी ज़्यादा अच्छा है। उसे ग्रेट करके मैंने रख लिया है, 4 आंवला मैंने लिया था, ग्रेट कर लिया था, और उसका जो रस होता है उसे आप किसी भी कॉटन के हेल्प से उसका जो रस होता है उसे ले सकते हैं। तो इस तरह से 4 आंवला के जो रस को है आपको ये लेना है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारे बालों के लिए। विटामिन सी भरपूर होने की वजह से आंवला हमारे बालों को काला रंग देने का काम करती है। और आंवला का आप सेवन भी करना स्टार्ट कर दीजिए। आंवला की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके, उसे इंटेक करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं पर्सनली मॉर्निंग टाइम पे आंवला इतने सालों से ले रही हूँ, तो हमारे पेट के लिए भी अच्छा है और बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इंटरनल और आउटर दोनों पर्पज़ पर ये काम करती है। उसी के साथ में आपको लेना है एक बड़े चम्मच कलौंजी का पाउडर। हमारे बालों की जो मेलानिन होती है, मेलानोसाइट होता है पिगमेंट, वो एक नाम का पदार्थ होता है जो कि हमारे बाल से कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे बाल हैं वो सफ़ेद दिखना शुरू हो जाते हैं। तो कलौंजी का पाउडर आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को आपको मिक्स करना है, पानी बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा। मिक्स करके अपने बालों पे इसका रूट टचअप करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि जो आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहे हैं आपके बालों पे, और बहुत ही नेचुरल तरीके से बाल आपके काले रहते हैं, घने रहते हैं, और कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ईजिली आप इसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे उम्र आपकी 16 से 15 साल क्यों ना हो, क्योंकि छोटे बच्चों में भी देखी जा रही है कि जो आजकल के बच्चे खान पान सही नहीं होने की वजह से उनके बाल भी उम्र पहले ही यू नो सफ़ेद होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऐसे अगर उम्र के पड़ाव पे हैं तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आई थिंक दोस्तों, आप लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें इस यूज़फुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी के लोग भी आपके यू नो आसपास के लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।